श्रीनगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी। सोपोर में एक आतंकी ढेर। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा बदलाव। दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है हवा। कई जगह पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इंडिया गेट और चांदनी चौक के पास स्थिति बेहद खराब। दिल्ली के धौलाकुआ में 394 पहुंचा AQI। बहुत खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। सुबह से ही इलाके में छाई धुंध। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित। कालिंदी कुंज में यमुना में फैला झाग। यमुना नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए 1574 करोड़ रुपए। इंदौर में सीएम ने तलवारबाजी में भी आजमाए हाथ। महाराष्ट्र में आज गृहमंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र करेंगे जारी। 3 अलग अलग जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को वोट जिहाद से जोड़ा। बोले, धुले में लोगों ने किया वोट जिहाद। 4000 वोट से धुले में हमें लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। महाराष्ट्र में बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक झूठ बोलते हैं। हम सबको आरक्षण देंगे, सीएम हमारा ही बनेगा। झारखंड में आज होगा रैलियों का सुपर संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में करेंगे 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। जमशेदपुर में रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, घुसपैठियों से लोग परेशान हैं। हेमंत सोरेन की योजनाओं पर लोगों को भरोसा नहीं। धनबाद के बागमारा में बोले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं। कहा, आदिवासी जनता को 28% आरक्षण का हक दिलाकर रहेंगे। झारखंड में एमबीए से उलेमाओं की मांग पर बोले अमित शाह, कांग्रेस ने मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने का भरोसा दिया। पूछा, आरक्षण दिया तो किसका होगा कम। झारखंड में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड की धरती से निकालेंगे, आदिवासियों के अधिकार उनको वापस लौटाएंगे। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। अंबेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा, मिर्जापुर की मजवा विधानसभा में करेंगे चुनावी रैली। मैनपुरी में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला। कहा, कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से होता है योगी। एनकाउंटर करने वालों का शुरू हो गया है काउंटडाउन। यूपी के कुंदर की सीट पर उपचुनाव। एसपी प्रत्याशी और उनके बेटे सहित 15 अज्ञात लोगों पर केस। सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस को धमकी देने का आरोप। पंजाब में केजरीवाल ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। सीएम मान रहेंगे साथ। बरनाला और मुक्तसर साहिब इलाके में रैली को करेंगे संबोधित। बिहार में सीएम नीतीश कुमार आज 2 रैली को करेंगे संबोधित। बेलागंज और इमामगंज में करेंगे चुनावी जनसभा। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान बोले आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। कहा, 2020 में 3 बूथ पर बीजेपी के लोगों की पिटाई की थी, इस बार 300 बूथ पर करेंगे। सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बिहार के मंत्री संतोष सिंह का पलटवार। उंगली काट लेने की दी चेतावनी। कहा, हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं। बीजेपी के स्टार प्रचारक अश्विनी चौबे का बिहार विधानसभा की 4 सीट के उपचुनावों में जीत का दावा। कहा, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी बनने जा रही हमारी सरकार। चुनाव प्रचार के दौरान वोट के लिए दिख रहे नेताओं के अलग अलग रंग। रामगढ़ में किरोड़ी लाल मीणा ने किया चुनाव प्रचार। लोगों के साथ जमकर नाचते दिखे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के बाद महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगी प्रियंका गांधी। 13, 16 और 17 नवंबर को करेंगी चुनावी रैलियां और रोड शो।
G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील जा सकते हैं पीएम मोदी। 18 से 19 नवंबर को शिखर सम्मेलन, पीएम कुछ अफ्रीकी देशों का भी कर सकते हैं दौरा। दिल्ली में 10,000 बस मार्शलों को फिर से मिलेगा रोजगार। दिल्ली सरकार के प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शलों की तैनाती को मंजूरी। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट के चलते पुलिस की कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कार में लगी आग बुझाई। नोएडा में बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद किया। यूपी के संभल में मुर्गों की फाइट कराकर खेला जा रहा था जुआ, पुलिस ने 5 जिलों से आए 55 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 35 मुर्गे भी किए जब्त, मौके से कैश भी बरामद।